यूपी बोर्ड की गलती की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। छात्रों की मार्कशीट में आए ट्रिपल एक्स के छात्रों को परेशान कर दिया है और अब वो डिग्री कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। यूपी बोर्ड की गलती भुगत रहे हैं हजारों छात्र। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? यूपी बोर्ड की एक गलती की वजह से आज हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। कोरोना काल के चलते बोर्ड के सभी छात्रों को प्रमोट तो कर दिया गया, लेकिन मेरठ क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय के सभी जिलों के करीब 70,000 छात्रों को डिग्री कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनकी मार्कशीट में नंबर नहीं दिए गए हैं, बल्कि नंबर की जगह पर ट्रिपल एक्स लिख दिया गया है, जिससे वो CCS यूनिवर्सिटी के एग्जाम पोर्टल पर BA, BCom और BSc में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पिछली क्लास के नंबरों को अपलोड करना होगा। सर, प्रॉब्लम ये आ रही है एडमिशन लेने में, हमारे जो 12th के रिजल्ट में मार्क्स नहीं आए हैं, ट्रिपल एक्स आया है। यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं री एग्जाम दे के जब एग्जाम नंबर आ जाएंगे तब होगा एडमिशन। आ रहे हैं अब वो हमें लिखित में ये भी तो दें, अब हम री एग्जाम कब देंगे? नवंबर तक हमारा रिजल्ट आएगा, फिर हमारा कब एडमिशन होगा? कुछ बताए तो कम से कम। स्कूल वाले सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हमसे। ग्रेजुएशन में एडमिशन न मिलने से परेशान छात्र कभी बोर्ड ऑफिस तो कभी यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि यूपी बोर्ड ने अंक सुधार परीक्षा का प्रावधान किया है और ये परीक्षा 15 सितंबर से शुरू होनी है, लेकिन प्रमोट होने के बाद नंबर न मिलने से परेशान छात्रों का कहना है कि जब उनको अंक ही नहीं मिले तो वे अंक सुधार परीक्षा किस आधार पर देंगे। यूपी बोर्ड में किसी बच्चे ने पेपर नहीं दिए हैं, उन सब बच्चों को पास कर दिया गया है। पास करने के पश्चात कुछ बच्चों को प्रमोट किया गया, विदहेल्ड किया गया, एब्सेंट किया गया है। अब एक चीज़ बताइए, जब बच्चों के पेपर ही नहीं हुए तो विदहेल्ड, एब्सेंट और प्रमोट का मतलब क्या होता है? और दूसरा, इन्होंने नया रूल निकाला है कि री एग्ज़ाम दीजिए, हम 5 सब्जेक्ट में री एग्ज़ाम कहाँ से देते, ये हमें आप खुद बता दीजिए। वहीं यूपी बोर्ड की गलती को लेकर CCS यूनिवर्सिटी प्रशासन भी पशुपेश में है, क्योंकि उनके पास ऐसे छात्रों को एडमिशन देने के लिए कोई आधार नहीं है, लिहाजा अब वो शासन से लेकर कुलपति से इस मामले में राय ले रहे हैं। उनके लिए ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो कोई भी एडमिशन पोर्टल हो ऑनलाइन, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, जहाँ मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं तो वहाँ मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें कल हमने डिस्कस भी की थी और हमारे संज्ञान में अब ये आई चीज़ें आई हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से इनका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। फिलहाल छात्रों का भविष्य अधर में है और यूपी बोर्ड को इसका फैसला जल्द से जल्द लेना चाहिए, ताकि करीबन 70,000 छात्रों का भविष्य खराब ना हो। अभिषेक शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मेरठ।